हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रेयन सिंह। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो के माध्यम से एलोवेरा के बारे में बताने वाला हूं। एलोवेरा कहां पाया जाता है, इसमें कौन कौन सा गुण होता है, हमारे लिए कितना लाभप्रद है और कौन कौन सी बीमारियों में हमें काम में आता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा यह वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एलोवेरा को किस नाम से जाना जाता है। एलोवेरा को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि घृत कुमारी, एलोवेरा, कुंवार गंधल या ग्वार पाठा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको घृत कुमारी का नाम दिया गया है। और दोस्तों, जो हमारी आयुर्वेद में जड़ी बूटियाँ होती हैं उनमें जो है इसको महाराजा का स्थान दिया गया है। एक औषधि पौधा होता है। और एलोवेरा की उत्पत्ति संभवतः उत्तरी अफ्रीका में हुई थी, इसका उल्लेख आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से ही मिलता है। बहुत ही प्राचीन औषधि मानी जाती है। एलोवेरा को देखने में यह अजीब सा पौधा लगता है। इसकी पत्तियाँ मोटी मोटी होती हैं और कांटेदार पत्तियाँ होती हैं दोस्तों, लेकिन यह गुणों का खान होता है। इसमें गुण जो होते हैं कूट कूट करके भरे हुए हैं दोस्तों। यह बहुत ही उपयोगी औषधि मानी जाती है दोस्तों। भारत में जो है ग्वार पाठा या घृत कुमारी हरी सब्जी के नाम से प्राचीन काल से ही जो एलोवेरा को लोग जानते हैं। इस समय जो है थोड़ा प्रचलित में आ गया है एलोवेरा, लेकिन यह बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित में है। एलोवेरा यह कांटेदार पत्तियों वाला पौधा होता है। दोस्तों, मैं बता दूँ कि औषधि की दुनिया में इसको संजीवनी का भी स्थान दिया गया है। इसकी लगभग जो है 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं पूरे विश्व में। और दोस्तों, 5 ही प्रजाति जो ऐसी हैं कि मानव के लिए जो है उपयोगी होती हैं। एलोवेरा की बारनाडेंसिस नाम की जो प्रथम प्रजाति है, इसमें अनेकों जो है खनिज लवण तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि 18 जो है धातु पाए जाते हैं, 15 अमीनो एसिड पाया जाता है और 12 विटामिन भी इसमें मौजूद हैं दोस्तों। इसके अलावा भी और कई तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसकी जो है दोस्तों की पत्तियों को जो है छील करके, इसको काट करके, इसका रस निकाल करके हम 2 से 3 चम्मच अगर सुबह खाली पेट लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद काम करता है एलोवेरा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसकी पत्तियों को काट करके अगर त्वचा पर लगाएं तो त्वचा में निखार आ जाता है, त्वचा बिल्कुल मुलायम रहती है और त्वचा में जो झुर्रियाँ होती हैं, डेड सेल होते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा कहीं अगर कट गया है, जल गया है, छिल गया है तो इसकी पत्तियों को जो है काट करके उसका जेल लगाएँ, बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो दोस्तों मैं बता दूँ कि एलोवेरा में एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दोनों ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए कोई भी घाव आसानी से जल्दी से सुखा देता है। और दोस्तों, इसके गूदे या जेल को जो है निकाल करके बालों में लगाने से बाल जो होते हैं काला और घना खूबसूरत भी होते हैं। आजकल तो जैसा कि आप जानते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य निखार में जो है इसका हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाले जो है बाजारों में अनेकों जो है प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि एलोवेरा जेल, एलोवेरा बॉडी लोशन, हेयर जेल, स्किन जेल, शैम्पू, यहाँ तक कि शैम्पू भी इसका है, साबुन भी आ गया है नहाने वाला, फेस वाश भी है। और दोस्तों मैं बता दूँ, फेशियल फोम भी है, ब्यूटी क्रीम इसके एलोवेरा के ब्यूटी क्रीम है, हेयर स्पा, ब्यूटिशियन में जो है अनेकों इसके जो है प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। धड़ल्ले से बिक भी रहे हैं मार्केट में, बहुत से लोग जो है विश्वास करके लगाते हैं क्योंकि यह गुणों का खान होता है और वास्तव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एलोवेरा का जो जूस है अगर आप निकाल करके मेहंदी में मिला करके बालों में लगाएं तो बाल चमकदार होते हैं। और कोई मर्द जो है अगर शेव करता है और शेव करने के बाद कोई लोशन ना लगा के डायरेक्ट इसका जूस लगाए निकाल करके, तो उसका जो है चेहरा बिल्कुल निखार रहता है और कोई उसमें बैक्टीरियल फंगस नहीं होते हैं, ना ही कोई दाना निकलता है, ना ही कोई फंगल होता है, क्योंकि इसमें जो है एंटी फंगल और एंटी बायोटिक दोनों ही गुण पाए जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, एलोवेरा में जो है एंटी एजिंग एजेंट्स हैं जो कि एज को ढलने नहीं देते हैं, एज को बढ़ने नहीं देते हैं। और दोस्तों, इसके जेल को अगर सोने से पहले जो है पूरे चेहरे पे, होठ को छोड़ करके पूरे चेहरे पे लगाएं और सुबह उठ करके धो लें, आपका चेहरा बिल्कुल खिल जाएगा और किसी प्रकार की झुर्रियाँ नहीं रह जाएंगी। बहुत सी महिलाओं को जो आफ्टर बर्थ के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जो है दोस्तों उनके पेट पर जो स्ट्रेच बन जाते हैं, मार्क बन जाते हैं, अगर ऐसे स्थिति में भी अगर एलोवेरा का जूस निकाल करके, जेल निकाल करके अगर उस पर लगाएं तो वो स्ट्रेच मार्क जो होता है गायब हो जाता है बिल्कुल कुछ ही दिनों में।
एलोवेरा जो होता है हमारे पेट के लिए एक अमृत के समान माना जाता है। किसी को बवासीर की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, एसिडिटी की शिकायत हो, भूख न लगती हो, लीवर फैटी हो गया हो, ऐसे लोग जो है एलोवेरा का जूस का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे सब गायब हो जाएगा, पेट की समस्याएं सारी सही हो जाएंगी, जो लाइट्रीन है वो भी ढीला होगा, पेट भी सफा रहेगा, कब्जियत भी खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, गर्भाशय के रोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा एलोवेरा माना जाता है। बहुत सी महिलाओं को जो है इरेगुलर पीरियड की समस्याएं आती हैं और तमाम फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, अगर ऐसी महिलाएं एलोवेरा का इस्तेमाल करें तो बहुत ही जल्दी उनकी समस्याएं जो है गर्भाशय समस्याएं भी समाधान हो जाएगा। बहुत सी महिलाओं को सिस्ट जैसी समस्याएं बनती हैं या PCOD जैसी समस्याएं बनती हैं जिसमें कि महिलाएं जो गर्भ आसानी से नहीं धारण कर पाती हैं, तो ऐसी महिलाएं इसका इस्तेमाल करें, ये सब समस्याएं नहीं बनने पाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं बता दूँ कि जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा एलोवेरा माना जाता है। त्वचा किसी भी प्रकार से झुलसा हो या धूप में चाहे जैसे भी हो उस पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, इसमें जो है इस्तेमाल करें एलोवेरा जूस का, और एलोवेरा की पत्तियों को तोड़कर चेहरे पर लगाएं और बिल्कुल जो है चेहरा जो है खिल जाएगा और जो झुर्रियाँ हैं बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, जो झुलसी हुई त्वचा है बिल्कुल सही हो जाएगी। और दोस्तों इतना ही नहीं आपको बता दूं कि अगर चेहरे पर बहुत ज़्यादा कील मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, ऐसे लोग जो है एलोवेरा की पत्तियों को तोड़ करके चेहरे पर लगाएं और इसका जूस का इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी गायब हो जाएगा सारा दाग धब्बा और जो है कि जो कील मुहासे गायब हो जाएंगे, चेहरा बिल्कुल खिल जाएगा। और जिन महिलाओं को दोस्तों और किस खून की कमी हो तो ऐसी महिलाएं एलोवेरा का जूस जो है इस्तेमाल करें और उनका रोग प्रतिरोधक भी क्षमता बढ़ जाएगा। बहुत सी महिलाएं बहुत ज़्यादा जो है बीमार होती हैं या जो लिकोरिया की शिकायत होती है, तो ऐसी महिलाएँ जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तो लिकोरिया की शिकायत भी नहीं रहेगी और सारी समस्याएँ भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे बढ़ जाती है जिससे कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों बहुत सी महिलाओं को देखा गया कि आंखों के नीचे घेरा बन जाता है, काला धब्बा बन जाता है, ऐसी महिलाएं इसके जेल का जो है पत्तियों का जेल लगाएं, वो धीरे धीरे आंखों के नीचे का घेरा भी साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल चेहरा भी साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों एलोवेरा के बारे में जितना भी मैंने बातें बताया है सारी बातें सत्य हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। दोस्तों एलोवेरा जो होता है मनुष्यों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है, यह पेट के लिए, स्किन के लिए और झड़ते हुए बालों के लिए यह बहुत ही अच्छा जो है एक औषधि होता है। इसका इस्तेमाल करें, आप जो है आपके अंदर बहुत सारे जो है रोग नहीं रहेंगे, आपके अंदर जो है एनर्जी की कमी नहीं रहती है, यह एक एनर्जी बूस्टर भी है, आपके शरीर में ताकत भी रहता है। अगर इसका एलोवेरा का जूस अगर सुबह खाली पेट पीते हैं या तो इसके पत्तियों को निचोड़ लें या तो मार्केट से इसका जूस ले लें, आपका जो स्टेमिना स्ट्रांग रहेगा, शक्ति मजबूत रहती है इससे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।